हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हेमाज वर्ल्ड। तो हाँ, बहुत लेट हो गया व्लॉग। आई थिंक 10 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, बट इंडिया में है तो थोड़ा बिजी शेड्यूल है, तो इसलिए हमारे व्लॉग अभी आजकल वीकली नहीं आ रहे। 10 दिन से ज़्यादा भी हो जाते हैं, बट चलेगा। नेक्स्ट वीक से थोड़ा मैं कंटिन्यू रहने की कोशिश करूँगी। तो नाउ बारिश शुरू हो गई है, आई थिंक टाइम हो गया 5:30 बज चुके हैं। और पिछले 2 साल से हम लोग बारिश का वेट कर रहे थे दुबई में, तो वो तो आई नहीं। तो इंडिया आने के बाद बारिश आ गई, तो ऐसे लग रहा है कि बारिश हमारे लिए ही आई है। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा ये व्यू को कैप्चर करते हैं और आपके साथ अपनी हैप्पीनेस शेयर करते हैं। तो उसके बाद मैं और क्रिश आ गए हैं टेरेस के ऊपर, क्योंकि बारिश आई है। तो हमको तो बहुत 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 ज़्यादा बारिश पसंद है, तो हमने सोचा चलो टेरेस पे जाते और बारिश का मज़ा लेते। और क्योंकि टेरेस में जो पानी ऐसे जमा होता है ना, उसमें ऐसे पैर पैर रखने के लिए भी मुझे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैंने सोचा चलो क्रिश और हम लोग ऊपर जाते और थोड़ा सा बचपन को जिया जाए फिर से। ये है सोलर हीटर जो आपको टेरेस पे दिखा रहे हो, और अभी भी बारिश है ना, कंटिन्यू चली रही है फ्रेंड। और यहाँ पे देखिए क्रिश बारिश का मज़ा लेते हुए, और अभी हुआ है नेक्स्ट डे। का है दादा नाव? नाव का है हाँ हाँ, पूर्ण आतून वगैरह पूर्ण करता। कोणाचे नाही, त्यांचे मित्र आहेत ते। ओके नाईस। आता तुम्ही आता काही हा, त्यांनी आज ही पण चालवली तुम्ही विकली येत। आता आम्ही आहे तर जास्त येत असेल हा, कारण की आमची गाडी निघत नाही ना त्याच्यामुळे। डीप क्लीनिंग तो अभी हम लोग जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए। घूमने के लिए मतलब नागपुर से थोड़ा ही डिस्टेंस पे है रामटेक, तो वहाँ पे सुना है बोटिंग वगैरह के लिए अच्छा है, तो हमने सोचा चलो जाके आते हैं। अगर ज़्यादा टाइम हो गया तो हम लोग रुकेंगे, अदरवाइज़ घर हम लोग वापस आ जाएंगे। तो अभी हम लोग ऑन द वे है। रीच हो गए और यहाँ पे हमें बोट भी जल्दी से मिल गई थी, तो हम यहाँ पे अभी बोट पे बैठ गए और अभी हम लोग यहाँ पे बोटिंग कर रहे हैं। बस हम लोग बोटिंग अभी कर रहे हैं और आप देखिए सामने कितना पानी पानी दिखाई दे रहा है, और हमें बोटिंग करने में यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और स्पेशली व्यू आप देखिए कितना खूबसूरत है ये सब। तो यहाँ पे हमारी बोटिंग हो चुकी है और अभी हम लोग जा रहे हैं वापस, और बोटिंग करके बहुत मज़ा आया।
और यहाँ पे देखिए फोटो शूट चल रहा है छोटी बेबी का, उसके पापा उसको होल्ड करके रहे और मम्मी पिक्चर ले रही है। फ्रेंड्स रामटेक बहुत अच्छा था, हमने बोटिंग की वहाँ पे, हमने खाना भी खाया और थोड़ा सा घूमे फिरे और बस हमारा हो गया था टाइम पे सब कुछ, तो हम लोग वहाँ रुके नहीं। अदरवाइज़ वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे रिजॉर्ट्स है, अगर आप कभी आओ रामटेक में तो आप वहाँ रुक सकते हो। लेकिन हमारा सब कुछ हो गया तो हम लोग अभी वापस जा रहे हैं नागपुर, तो हम लोग अभी है ऑन द वे। बट रामटेक में जाके बहुत अच्छा लगा, स्पेशली बोटिंग किया तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया हमको। नागपुर के पास पहुंच चुके और हमें लगी है भूख। The next day. तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं हूँ ऑटो में, और फ्रैंकली मुझे गाड़ी भी चलानी आती है, स्कूटी भी चलानी आती है, पर मैंने सोचा कि बहुत साल हो गए मैं ऑटो में बैठी नहीं हूँ, तो आज ऑटो का मज़ा लेते। और मैं जहाँ पे जा रही हूँ वहाँ पे कार तो बिल्कुल ही नहीं जा सकती, तो मैंने सोचा कि चलो ऑटो से चलते, और मैंने उबर से ऑटो को बुक किया और ऑटो में बैठ के बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और यहाँ पे पानी पूरी मैंने देखी, तो पानी पूरी देख के तो मुँह में तो पानी आ गया, पानी क्या फिर पानी पूरी खा ली। अभी आगे जो होगा वो देखा जाएगा। और ये है मार्केट महल पे, यहाँ पे मैंने बहुत सारी शॉपिंग की, बट मैं अकेली थी साथ में, और मैं कोई था नहीं तो मैं ज़्यादा कुछ शूट कर नहीं पाई, और पानी पूरी तो मैंने खाई यहाँ पे। भैया पानी पूरी खा के अच्छा लगा। अभी मेरी शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है फ्रेंड्स, तो आज मैं पूरा सोच के आई थी मैं ऑटो से आऊँगी और ऑटो से जाऊँगी, तो बस मैं अभी वापस जा रही हूँ। और उसके बाद हम लोग जा रहे हैं आज बारबेक्यू नेशन डिनर के लिए। वॉइस ओवर कर दो यार, कोई कुछ भी बोले तो वॉइस ओवर। तो क्या है वैष्णवी? बारबेक्यू। और तू क्या कर रही है? वैष्णवी डाइटिंग पे है, इसलिए उसने पूरा कुछ भी नहीं खाया, ओनली वो ड्रिंक पी रही है। उसने हमें 1000 का चूना लगाया है, उसके बाद सिर्फ ऑन किसके लिए? सॉफ्ट ड्रिंक के लिए। देख के वैष्णवी ने पेट भर लिए। दिखा 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 दिखा। और कृष क्या खा रहा है? कुल्फी। कौन सी वाली? ओरियो। फ्रेंड्स हमने बारबेक्यू नेशन में अच्छे से खाना वाना सब खाया, और हम ज़्यादा कुछ वहाँ पे शूट नहीं कर पाए बिकॉज़ अलाउ नहीं था, और बाद में बहुत ज़्यादा रश भी हुआ था और हमें भी खाने पे कंसंट्रेट करना था। तो अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। लव यू ऑल, टेक केयर, कीप वॉचिंग।